दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं क्या करूं और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों का प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद या मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दे। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है मेरे पास गिरवी रखने के लिए, और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपका पूरा रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदा था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेचता था। इसी प्रकार हरीश ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब हरीश ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर हरीश उसी नगर में वापस लौट आया जिस नगर में वह अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। हरीश नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है, तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वेद को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। हरीश ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी जो होना था वह तो हो चुका है, शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अब वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता, होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैं अपना आंट चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। हरीश की इस बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसा कैसे ले सकता हूं जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता, तो
अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। हरीश ने बार बार सेठ से अपना आरण वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से हरीश जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। हरीश भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और उन साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब हरीश को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। हरीश ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। हरीश की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है, तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। भाई तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को उस सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब हरीश ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो हरीश साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। हरीश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रख कर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि उसका मृत्यु हो गया है, वह झूठ बोल रहा है। हरीश की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हां राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं महाराज, मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को श्मशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने हरीश से कहा, भाई अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरीश को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हरीश फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था, मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे, तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। हरीश एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया कि राजा ने हरीश की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है, यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा, तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। हरीश ने जब राजा की यह वचन सुन तो हरीश साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर सिद्धर गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने की गवाह भी मौजूद है, क्या मैं उन गवाह से मिल सकता हूं? फिर राजा बने। साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वेद को बुलाया, उसने हरीश की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वेद से पूछा, क्यों भाई आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? वेद बोला,
जी हुजूर, मैंने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था। वेद की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वेद जी, मुझे यह बताओ कि तुम हरीश की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर हरीश की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने? साधु। महात्मा की बात सुनकर वह वेद राजा से बोला, महाराज सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि दवा सेठ हरीश की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वेद बोला, हां महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वेद की बात सुनकर वह साधु बोला, उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो, या तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही हरीश की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वेद का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वेद की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन में खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वेद सच बोलोगे या फिर मैं सैनिक को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वेद का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बड़ा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैं लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने? साधु का? महात्मा ने कहा, वेद जी कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा के आदेश पर राजा के सैनिक ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वेद को पकड़ लिया और भरे दरबार में उस कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज निकलने लगी। उसकी चीख राज दरबार में गूंज उठी। वेद के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ की गवाह के तौर पर बुलाएंगे। उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल के जिन्होंने हरीश की पत्नी को श्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाह है कि आई साधु। महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस हरीश किसान की मृत पत्नी की शव ले जाकर श्मशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी उसके बाद ही हम उसे श्मशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम श्मशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है, इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वेद की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गए हो। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी तुम्हारे पांचों गवाह की तो पहले ही हवा निकल गई, अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकाल सका। राजा अपने साधु ने कहा, सेठ इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस हरीश किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर हरीश की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर हरीश को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की केंद्रीय सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई।
जिन्होंने हरीश की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, राजन मेरी तीन बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन तीन स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, जिन स्थानों को यदि कोई पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थान पर कभी भी उसके बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में और आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उस तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे, या आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरे साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तीसरा स्थान है, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।